मैं सोफिया परवीन वुमेन इंडिया चित्राल से। तो इस वक्त मैं आपको चित्राल में जो कि हमारे इलेक्शन का टाइम है 2 पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में है और इसी तरह चित्राल में भी जो कि 2018 इलेक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू हैं। तो जिस तरह इस वक्त जो चित्राल में लोग हैं वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो जो कि इस वक्त PTI को है, क्योंकि इस वक्त लोगों का कहना है कि हमें इस बार जो कि तब्दीली लाना है, चित्राल में लाना है, पाकिस्तान में लाना है, PTI को सपोर्ट करना है, क्योंकि PTI ने जो कि है चित्राल में, पाकिस्तान में तो क्या KPK में भी चित्राल में भी जो कि है तालीम पे इसमें ज़्यादा तवज्जो दी है। पहले हम जब चित्राल में इधर हम स्कूलों में सरकारी स्कूलों में जाते थे तो हमें टीचर्स ही नहीं मिलते थे, टीचर्स ही नहीं, क्लास में जाएँ आपको टीचर में पढ़ाई की वो सही नहीं होती थी। और लेकिन अब जो कि इधर तब्दीली आई है वो तालीम में, जब हम सरकारी स्कूलों में जाएँ, प्राइवेट स्कूलों में जाएँ, तो टीचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और हम तालीम पे जो कि ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पहले जो कि स्कूलों में बच्चों पे तशद्दुद होते थे, टीचर्स जो कि हैं एक मजलूम बच्ची को या बच्चे को उस पर तशद्दुद करते थे, तो इस वजह से कितने बच्चे जो कि हैं स्कूल छोड़ जाते हैं और फिर बाज़ जो कि खुदकुशी कर लेते हैं, या तो टीचर की वजह से कोई दबाव होता है या तालीम उनको सही मुयसर नहीं होता है। तो इसलिए कि इमरान खान ने जो PTI हुकूमत है वो चित्राल में उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, तालीम में किया है। तो इस बार लोगों का जो कहना है कि हमें इतनी अच्छी तालीम चित्राल में 5 सालों में PTI हुकूमत ने दिया, इतना 70 सालों में किसी हुकूमत ने नहीं दिया। तो इस बार इंशाल्लाह चित्राल के लोग PTI को सपोर्ट करेंगे और एक नई तब्दीली पाकिस्तान में लाएंगे, KPK में लाएंगे, पूरे चित्राल में लाएंगे। आप सबसे भी गुजारिश है तालीम का साथ दें, एक बार PTI को आजमा के देखते हैं क्या कितनी तब्दीली हमारे पास आ जाती है। शुक्रिया। और इस बार जो कि है मैं आपसे भी कहती हूँ कि इस बार अच्छी तालीम दोगे, पाकिस्तान में दोगे, हर जगह में अच्छी तालीम दोगे तो इस बार वोट भी आप लोगों का होगा। तालीम वोट दो, तालीम दोगे तो वोट मिलेगा।